गाजा का हर कोना तबाही से धधक रहा है। साल 2023 गाजा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है, और वो भी एक ऐसा इतिहास जिसने गाजा को मिट्टी में मिला दिया है। गाजा के हर कोने में खंडहर तबाही की गवाही दे रहे हैं। लेकिन क्या ये युद्ध सिर्फ गाजा के लिए तबाही लेकर आया है, या फिर इसराइल को भी इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है? इसका जवाब है हाँ। गाजा युद्ध इसराइल को ऐसे जख्म दे रहा है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि गाजा के हर कोने में हर रोज इसराइली सैनिकों की कब्र खुद रही है। उसकी तस्दीक गाजा से आ रहे ये वीडियो कर रहे हैं, जिनमें IDF की तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। दरअसल अब अल जैतून में हमास के लड़ाकों ने एक बैरल आकार वाले IED से इजरायली सेना के एक वाहन पर हमला किया है, और ये हमला अल कुछ ब्रिगेड के लड़ाकों ने किया है, जिसमें IDF के कई जवानों के मरने और घायल होने की खबर है। वहीं अल कासिम ब्रिगेड्स के स्नाइपरों ने दो इजरायली सैनिकों को अल जैतून में शिकार किया है। इसके अलावा नेटजेरिम एक्सिस में उत्तर की तरफ तल अल हवा और अल जैतून में भी IDF के मिलिट्री कमांड पर हमला किया गया है। हमास का कहना है कि इस हमले में IDF की 16वीं रिजर्व पैदल ब्रिगेड को काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि तल हवा में हुए अल कुद्स के हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स के लड़ाके पहले तो अपने हथियार इकट्ठा करते हैं, इसके बाद ये सभी राइफल लेकर एक इमारत में घुस जाते हैं, और इसके बाद ये लड़ाके दूर तक बिल्डिंग में तैनात IDF के एक जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद इनके ऊपर IDF जवाबी फायर करती है, तभी अल कुद्स का एक लड़ाका राइफल से ऊपर बिल्डिंग में तैनात IDF के एक जवान पर फायरिंग कर देता है, और इसी दौरान भीषण गोलीबारी होने लगती है, और इसके बाद इलाके में IDF के एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखा जाता है। अल कुद्स के इस हमले के बाद दक्षिणी जैतून में हुए अल कासिम के एक अटैक का भी वीडियो आया है। यह वीडियो अल कासिम के स्नाइपर ऑपरेशन का है, जिसमें उसने IDF के दो जवानों को ढेर करने का दावा किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूर एक बिल्डिंग में IDF के कुछ सैनिक पोजीशन लिए हुए होते हैं। इनमें से एक जवान दीवार में छेद करता हुआ दिख रहा है, और इसके तुरंत बाद एक जवान बिल्डिंग की खिड़की पर नजर आता है, और तभी अल कासिम का लड़ाका उस पर फायर कर देता है, और इस फायरिंग में खिड़की पर लगी फट्टे जैसी चीज नीचे गिर जाती है।